हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने कंप्यूटर में ये कैसे यूज़र अकाउंट बनाते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बने बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको देते हैं मोबाइल और कंप्यूटर से रिलेटेड नए नए टॉपिक्स पर टेक्नोलॉजी वीडियोज़। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा स्टार्ट पे, और स्टार्ट पे जाने के बाद क्लिक करेंगे हम सेटिंग पे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद जो भी कंप्यूटर की सेटिंग्स हैं वो हमारे सामने खुल के आ जाएंगी। इसके अंदर हम आएंगे अकाउंट्स के अंदर, जिसके अंदर लिखा है योर अकाउंट्स, ईमेल, सिंक, वर्क, फैमिली, ईटीसी। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये सामने विंडो हमारी खुली है। तो इसमें जो करंट यूज़र है, जिस यूज़र से हम लॉगिन करे हुए हैं, वो हमारे सामने खुला हुआ है। इसके साथ ही हमें इसके अंदर बनाना है दूसरा एक अकाउंट, तो हम उसके लिए क्लिक करेंगे। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं फैमिली एंड अदर यूजर्स, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने खुल के आ गया। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा जितने अकाउंट बने होते हैं सारे यहाँ दिखाता है। और यदि हमें कोई भी नया अकाउंट इसके अंदर बढ़ाना है, नया अकाउंट क्रिएट करना है, उसके लिए प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे। लिखा है इसके अंदर ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये हमारे सामने विंडो खुलेगी, और ये हमसे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि किस नाम से आपको अकाउंट का नाम रखना है। उसके लिए हम नाम दे देते हैं, उसका नाम रखते हैं डिजिटल एजुकेशन, DIGITAL EDUCATIU एजुकेशन। दोस्तों, इस नाम से हमें अपना यूज़र अकाउंट बनाना है। दूसरा, इसकी पासवर्ड सिक्योरिटी हमें देनी है, यानी कोई भी अगर इसके अंदर लॉगिन ना करे, सिर्फ हम ही लॉगिन करें, तो उसके लिए हमें इसके अंदर पासवर्ड भी देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेक इट सिक्योर ये लिखा है, दो बार पासवर्ड हमें यहाँ टाइप करना है। इस पर क्लिक करेंगे DIGITAL digital@2-3, वही पासवर्ड हमें सेम नीचे रखना है, DIGITAL। ये हमने पासवर्ड रख दिया दोनों का सेम। अब इसके अंदर दोस्तों नीचे कुछ क्वेश्चन और आंसर लिखे हुए हैं। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 है, इसको टाइप करें, व्हाट व्हाट वाज योर फर्स्ट पेट नेम, इसे क्लिक करो। जो भी आपका फर्स्ट पेट नाम था आप यहाँ लिख सकते हैं उसका। सपोज लिख देते हैं काऊ। ये लिखने के बाद इसके अलावा तीन क्वेश्चन हम इसे ऐड कर सकते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर लिख दिया, नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों एक नहीं लेगा, इसको तीनों चाहिए, या तो कोई नहीं दे या फिर तीनों दे। तो इसके लिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है व्हाट वाज द सिटी वेयर यू बोर्न, इसके लिए डाल देते हैं दिल्ली। तीसरा क्वेश्चन है चाइल्डहुड निकनेम। इसके बाद अगला रख देते हैं व्हाट्स द फर्स्ट नेम ऑफ योर ओल्डेस्ट कजिन, और यहाँ लिख देते हैं जो भी हमारा नाम है ए बी सी जो भी है वो लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों, इस तरीके से डिजिटल एजुकेशन के नाम से नया अकाउंट बन गया हमारा। अब इसको खोलने के बाद ये मैनेज टाइप दिखा रहा है, किस तरीके का अकाउंट रखना है, हमें स्टैंडर्ड यूजर रखना है या एडमिनिस्ट्रेटर रखना है। तो हम स्टैंडर्ड पर रख के और ओके करेंगे। इस तरीके से ये हमारा अकाउंट बन गया है। अब आप देखेंगे यदि हम इसको दोबारा से लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे ये अकाउंट दिखाएगा, और इसके इस पर क्लिक करने के बाद हम इसको लॉगिन कर सकते हैं पासवर्ड के साथ।